राजधानी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का रोड शो। गोविंद देव जी मंदिर से रोड शो की शुरुआत की गई और भाजपा उम्मीदवार रामचरण बोहरा के समर्थन में जनता से वोट की अपील की गई और भाजपा के कई दिग्गज नेता इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में आज रोड शो किया। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर भाजपा के उम्मीदवार रामचरण बोहरा के समर्थन में जनता से वोट की अपील की और साथ ही इस रोड शो की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री ने गोविंद देव जी मंदिर जाकर दर्शन कर और पूजा अर्चना करने के साथ की। ये रोड शो गोविंद देव मंदिर से शुरू हुआ और भाजपा उम्मीदवार रामचरण बोहरा के समर्थन में ये रोड शो किया गया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खुली जीप में किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने रामचरण बोहरा के समर्थन में रोड शो कर दमखम दिखाया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आज पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। वहीं बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज जयपुर शहर और ग्रामीण के लिए जो भाजपा प्रत्याशी उनके समर्थन में रोड शो कर रही है, ये नजारा आप देख रहे हैं इस वक्त चार दीवारी में, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गोविंद देव जी के दर्शन करके भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा के समर्थन में रोड शो कर रही है। काफी लंबा ये रोड शो है। पूरी प्रदेश भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जयपुर शहर के, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। तमाम जयपुर शहर के विधायक और जो विधायकों के प्रत्याशी थे वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो सांसद प्रत्याशी है रामचरण बोहरा, उनके साथ यहाँ पर एक जो बग्घी बनाई गई है, रथ बनाया गया है, उसमें बैठी है और ये रोड शो निकाला जा रहा है। ये रोड शो पूरी चार दीवारी में निकाला जाएगा यहाँ से और चांदपोल हनुमान मंदिर तक पहुंचकर वहां पर इसका समापन होगा। जिस प्रकार से उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का और ये नजारा आप देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे के तरफ किस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। जगह जगह पर जो व्यापारिक जो संगठन है वो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत कर रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा का स्वागत कर रहे हैं और ये रोड शो हनुमान मंदिर पर जाकर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री राजे हैं वो जयपुर ग्रामीण में रोड शो करेगी। तो ये कहा जाए कि आज जो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, इसमें पूरी तरह से बीजेपी की ओर से ताकत झोंकी जा रही है कि एक बार फिर से जयपुर शहर में कबल खिल सके, क्योंकि पहले भी राज्य ने यहाँ पर रोड शो किया था 2014 में और रामचंद्र बोहरा की यहाँ पर विजय हुई थी। देखिए किस प्रकार से आतिशबाजी भी यहाँ पर की जा रही है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा। दिन में आतिशबाजी की जा रही है, गुलाब के फूल यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक बार फिर से कमल खिलाया जा सके। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूरी ताकत झोंक दी है जयपुर शहर और ग्रामीण में कमल खिलाने के लिए। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह नरुका, एवन टीवी जयपुर।